4 दिसंबर से 10 दिसंबर 2023 तक चलने वाला साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश शर्मा है। ये जो आज का साप्ताहिक राशिफल है, ये आपको चंद्र राशि से देखना है, यानी कि चंद्र राशि पे आधारित है। जन्म कुंडली में जहाँ भी आपके चंद्रमा होगा, वहाँ जो भी नंबर, जो भी राशि लिखी होगी, वो आपकी चंद्र राशि है। आपको उसके अकॉर्डिंग इसको देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि यानी कि एरिस वालों की। यह आपके ग्रहों के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति बन रही है। सारे रुके हुए काम इस सप्ताह में आपके बनने जा रहे हैं, जहां रिश्तों में भी सुधार आते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जो भी सोसाइटी में रिलेशनशिप हैं, उन सभी में कुछ ना कुछ अच्छी बेहतरीन होते हैं ये आपके दिखाई देंगे। यानी कि जिन लोगों से आपके टच लूज हो रहे थे, उनसे आपका टच अच्छा बनेगा। जिन लोगों से संबंध बिगड़ रहे थे, उनसे भी आपके संबंधों में सुधार आएगा। यह जो सुधार इस सप्ताह में आएगा ना, ये आने वाले अच्छे समय की नींव रखेगा। तो इस सप्ताह में आप मंडे वाले दिन पीसी हुई हल्दी किसी भी धर्म स्थान में या किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। इसकी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, लेकिन यह किया गया उपाय आपके लिए 100% अच्छे नतीजे लेकर आएगा। इसके बाद बात करते हैं वृष यानी कि टॉरस वालों की। वृष राशि वालों के लिए आपके लिए ये जो साप्ताहिक है ना, आपके घर में सुख शांति रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो मेल जोल है ना आपका, लोगों से ये आपके टाइम को किल करेगा, यानी कि टाइम को वेस्ट करेगा, ख़राब करेगा। इसलिए इस सप्ताह में लोगों को थोड़ा ना करना सीख लीजिएगा। सारा ध्यान अपने काम पर, प्रोडक्टिविटी पर, प्लानिंग पर बनाइएगा या उन पर लगाइएगा। बिना बात के चिल आउट करना या किसी के साथ चिल करने जाना, पार्टी वगैरह करना, इसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। इस सप्ताह के लिए इसको छोड़ दीजिएगा। इससे आने वाले समय में बहुत मौके आएंगे। बस केवल यह सप्ताह में एक फोकस रखिए अपना काम करना और अपने इस सप्ताह को प्रोडक्टिव बनाना। इसके लिए आपको क्या उपाय क्या करना है, सफ़ेद फूलों का हार मंडे वाले दिन शिवलिंग पर अर्पण करना है। आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त उपाय रहेगा। यह जो उपाय है ना, आपके ना केवल ग्रहों को अनुकूल करेगा, बल्कि इस सप्ताह को आपके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव बना देगा। इसके बाद बात करते हैं मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वालों की। इन लोगों के लिए है जो ग्रह स्थिति है ना, किसी भी काम में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव परिणाम लाने वाली है। इस सप्ताह में ऐसा रहेगा कि आप जिस भी किसी चीज़ को शुरू कर लेंगे, यानी कि वह चीज़ आप कंप्लीट कर देंगे, या कहीं ना कहीं किस्मत का आपको साथ मिलेगा, वह आपके काम पूरे होते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह में आपको कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स, कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनका साथ या जिनकी सलाह आपके लिए बड़ी ही ताकत और बहुत ही ज़बरदस्त रह सकती है। लेकिन यह सप्ताह में किसी ना किसी वजह से आपके अपने जीवन साथी या प्रेमजनों से थोड़े से अनबन रह सकती है। थोड़ा सा अपने नेचर को, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करिएगा। ओवरऑल धन या संबंधों के मामले में यह सप्ताह एक ठीक ठाक रहेगा। इस सप्ताह में एक विशेष उपाय है आपके लिए, और ये उपाय आपके लिए, आपको कुछ भी राशन लेना है, यानी कि चाहे चावल, आटा, दाल, कुछ भी खाने वाली चीज़ लेनी है राशन आपको, इसको आप डोनेट करिएगा, यानी कि इसको डोनेट करते रहिएगा। फिर देखिए आपके सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छे जाने वाली है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों की। आपके लिए प्रॉपर्टी के लेने का या बेचने के योग बन रहे हैं। घर में कोई नया व्हीकल आ सकता है। आपका किसी लग्जरी पर कोई ना कोई खर्चा हो सकता है। इस सप्ताह में एक और चीज हो सकती है, आपके अपने बॉसेस से, यानी कि जहां आप काम करते हो बॉस से, या अगर आप अपना व्यापार करते हो तो कहीं ना कहीं आपके अपने क्लाइंट से किसी ना किसी तरह की बात पर मतभेद यानी कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और उसको तुरंत ही सुलझा लीजिएगा, उसको लंबा मत जाने दीजिएगा, नहीं तो आपको अपने आने वाले समय में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह में कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करने से पहले उसको देख परख लीजिएगा, यानी कि उसको अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा। जल्दबाजी में कुछ भी काम मत करिएगा, अन्यथा आप किसी ना किसी तरह के नुकसान में फंस सकते हैं। पेट का आपको खास ध्यान रखना, पेट में कोई ना कोई दिक्कत, पेट में आपको दर्द, पेट खराब होना, ये सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। खान पान का आपको बहुत ही ध्यान रखना, बहुत ही संभल कर आपको खाना। बाहर की चीज़ों को अवॉइड करिए, यानी कि जो खुले स्थान होते हैं, खुली जगह की चीज़ों को इस समय में आपको अवॉइड करना। इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना। आपको उपाय क्या करना है, आपको उपाय करना है पूरे आपको सप्ताह के, यानी कि पूरे सातों के सातों दिन आपको ये उपाय करना। आपको कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। ये 7 के 7 दिन आपको लगातार कंटिन्यूस करने हैं। इससे जो सप्ताह की एनर्जी है ना, वो आपकी पॉजिटिव होती हुई दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं सिंह यानी कि लियो राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो ये सप्ताह है, ये बिल्कुल अपनी तरफ से रुके हुए कामों को बनाने का, यानी कि जो पिछले कुछ समय से आपके काम अटक रहे थे, बिना बात के आपके कामों में विलंब आ रहा था,
अब वह कंप्लीट होते हुए महसूस होंगे, लेकिन संबंधों में समस्याएं आएंगी, खास करके जीवन साथी से या अपने जो भी प्रियजन आपके आसपास है ना, वह बिना बात के थोड़ी सी आपकी गलत फहमी के शिकार हो सकते हैं। इस वजह से आपके मन में लगातार टेंशन आ सकती है। संतान की तरफ से भी आपको किसी ना किसी तरह की थोड़ी बहुत टेंशन फील हो सकती है। इस सप्ताह में आपको एक काम करना है, आप यह काम संडे मंडे या किसी भी दिन करिएगा। एक लाल धागा लीजिएगा, उसको हनुमान जी के सामने रखिए, उस पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी को टच कराकर उसको अपने राइट हैंड की कलाई पर बांध लीजिएगा। यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल उपाय होने वाला है। सो इससे क्या होगा, जो आपकी सप्ताह की जो एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव होती हुई दिखाई देगी। इसके बाद बात करते हैं कन्या यानी कि वर्गो राशि वालों की। सबसे पहले तो ये बात है कि इस सप्ताह में बिना बात के मन में वहम मत आने दीजिएगा, यानी कि बेफालतू की थिंकिंग, आप ओवर थिंकिंग करेंगे और वहम का कोई इलाज नहीं होता। आपको अभ्यास करके मन के अंदर जो डर है, एंग्जाइटी है, उसको निकाल फेंकना होगा, क्योंकि बाहर से इस सप्ताह में कोई समस्या नहीं आएगी, समस्या आप सोच सोच कर पैदा करेंगे, और अगर ऐसा होगा तो फिर सारा सप्ताह संघर्ष में बीतेगा। तो ओवर थिंकिंग से बचिए और सप्ताह को पूरी तरह से अपने आपको काम में, प्रोडक्टिविटी में, यानी कि प्रोडक्टिविटी में झोंक दीजिएगा। फिर यह सप्ताह जो है ना, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। इस सप्ताह में आपने एक सरल उपाय करना है, हनुमान जी से संबंधित उपाय है। मंगलवार वाले दिन बेसन की बर्फी लेनी है आपको, या बेसन के लड्डू लेने हैं। हनुमान जी को अर्पण करने के बाद इसको लोगों में बांट दीजिएगा। क्वांटिटी कोई मैटर नहीं करती, जितना आप ले सकते हैं, जितना आपके आपके बजट के अकॉर्डिंग जितना आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं, और मंगलवार को इसको आप डोनेट करिएगा। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अब हम बात करते हैं तुला यानी कि लिब्रा राशि वालों के लिए। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, इसमें सबसे पहले तो ये बात है कि आपको अपने लिए क्वालिटी समय निकालना है। एक दिन में एक घंटा, डेढ़ घंटा, कुछ भी अपने आप को दीजिएगा। मेडिटेशन करिए, कुछ आप रिक्रिएशनल एक्टिविटी में रहिए, खुद को मनोरंजन दीजिए, लेकिन खुद को थोड़ा सा क्वालिटी समय दीजिएगा। लेकिन यह क्वालिटी समय एक लिमिट में, यानी कि लिमिट से ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि फिर वह आपको अनप्रोडक्टिव कर देगा। उसी वजह से भी यह सब आपके लिए स्ट्रेस वाला रह सकता है। किसी भी काम को पेंडिंग नहीं करना, आज का काम आज निपटा के ही काम को ऑफ करिएगा। फिर अपने आप को एक अच्छा टाइम दीजिएगा, फिर देखिएगा यह सप्ताह आपके लिए धन के मामले में, प्रोडक्टिविटी के मामले में, खुशियों के मामले में, सेटिस्फेक्शन के मामले में, किसी भी तरह से बहुत ही बढ़िया सप्ताह रहने वाला है। अब आपको उपाय क्या करना है, मंडे वाले दिन पीपल के पेड़ को मीठा जल चढ़ाकर, यानी कि पीपल के पेड़ पर मीठा जल चढ़ाकर आए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। ये इससे आपका पूरा सप्ताह आपका बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, सबसे पहले तो यह है कि अपनी कमजोरी पर विजय पाए। जो जो चीज़ आपको टेंशन देती है, उन चीज़ों को पहचानिए, बिना बात के खर्च करने से, बिना बात के गुस्सा करने से, रिएक्शन करने से बिना बात के, या बिना बात के क्विकली जो आप इंपल्सिव यानी कि एकदम से जो डिसीजन लेते हैं, उनसे बचिएगा। सेल्फ कंट्रोल आपको अपने ऊपर रखना है, यानी कि सप्ताह का आपका मंत्र है, इसको कर लेंगे तो सारे सप्ताह की ऊर्जाएं ऑलरेडी आपका साथ देने के लिए तैयार खड़ी हैं। लेकिन आपको स्वयं को अपग्रेड करना, यानी कि एक नया अपना इनर सेल्फ आपको बनाना ही होगा। इस सप्ताह में आपके लिए उपाय गौशाला से जुड़ा हुआ है। गौशाला जाइए और जो सेंधा नमक, उसकी एक सील लेकर गाय के आगे रखकर, क्योंकि गाय को चाटने के लिए यह जो उपाय है ना, बहुत ही बेनिफिशियल है। इससे आपका जो भी सप्ताह है ना, बहुत ही बेनिफिशियल जाने वाला। इसके बाद बात करते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस वालों की। आप लोगों के लिए थोड़ा सा अगर कोई भी चीज़ है ना, तो वह कि पॉजिटिव एटीट्यूड, आपको बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। सप्ताह में कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है, या जैसे कि एक अपने परिवार को देने वाला क्वालिटी समय, खुद को रीडिफाइन करने वाला समय, आने वाले समय में कुछ वैकेशन को प्लानिंग करने वाला समय, और सबसे बड़ी बात क्या है, आप कहाँ पर गलत जा रहे हैं उसी चीज़ को पहचान, यानी कि पहचानने वाला समय, या पहचान जाए समय रहते हुए। जब आप पहचान लेते हैं कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं, तो तुरंत आपको जीवन में होने वाली खराबी आपकी रुक जाती है, वह समय आ रहा है। तो इस सप्ताह को यूज़ करिएगा खुद को रीडिफाइन करने के लिए। हालांकि इस सप्ताह में थोड़ा सा आपको जोड़ों की दर्द की, स्पेशल की पीठ, यानी कि पीठ से संबंधित आपको केयर करनी है, यानी कि रीढ़ की हड्डी का आपको ध्यान रखना है। इस सप्ताह में थोड़ी सी आपको कमजोरी रहेगी। इस सप्ताह के लिए आपको उपाय ये करना है कि
चंदन से जुड़ा हुआ उपाय आपके लिए। चंदन की सफेद लकड़ी लीजिए और मंडे वाले दिन इसको शिव मंदिर में अर्पण करके आइए। इसको रब करके शिव जी को तिलक भी करवा सकते हैं, ये भी बेनिफिशियल है और ये बहुत ही बड़ा जबरदस्त उपाय है आपके लिए। यह उपाय आपकी पूरे लंबे समय तक बड़ी सहायता करने वाला है। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की, यानी कि कैप्रिकॉन वालों की। सबसे बढ़िया बात यह है कि सप्ताह में आप कुछ अपग्रेड करने वाले हैं अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है। आप नए वर्क प्लेस पर जाएंगे, चाहे अपने प्रेजेंट काम में ही कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करेंगे, यानी कि कुछ नयापन आपके जीवन में ऐड ऑन हो रहा है। कुछ नया खरीदने बेचने का भी आपका योग बन रहा है, एवं व्हीकल के भी योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में आपके परिवार का भी खूब साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो स्टूडेंट है ना, उनके लिए कॉम्पिटिशन में कुछ बहुत अच्छा कर जाने का समय है। आप लोगों के लिए यह एक मैं आपको उपाय बताना जो कि बहुत ही ज़बरदस्त उपाय आप लोगों के लिए। उपाय आपके लिए ये कि चावल और चीनी लीजिए मंडे वाले दिन, किसी भी मंदिर में या किसी भी जरूरतमंद को देखकर उसको दे आइए। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, यानी कि जो आपको नीडी पर्सन लगे किसी जरूरतमंद को, वो आपको दे आना है। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल उपाय है, इससे आपकी किस्मत का भी साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वालों की। ऑब्स्टैकल से आपको राहत मिलने जा रही है, काफी नए लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं। आपके अगर आप व्यापार में हैं तो आपकी क्लाइंट्स में बढ़ोतरी यानी कि क्लाइंट्स में अब बढ़ने वाले हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो बॉसेस और आपके क्लाइंट्स भी आपसे खुश रहने वाले हैं। ओवरऑल एक विन सिचुएशन आपके लिए इस सप्ताह में। बस इस सप्ताह में थकावट से बचें, काम को पेंडिंग डालने से बचें, नहीं तो जो स्ट्रेस आएगा ना उसे बनते बनते काम भी आपके चौपट हो जाएंगे। इस सप्ताह में एक सरल उपाय आपको गाय के घी से थोड़ा सा शिवलिंग को स्नान करवा कर फिर पानी या कच्चे दूध से ये स्नान करवाइए। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इस उपाय को आप करके देखिए, आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मीन राशि वालों की, मीन यानी कि पाइसिस राशि वालों की। सबसे पहली बात, डिसिप्लिन्ड हो जाइए, अपने आप को क्वालिटी समय दीजिए, अपने काम को क्वालिटी समय दीजिए, अपने परिवार को, अपने आसपास वाले लोगों को क्वालिटी समय दीजिए। केवल एकमात्र यह मंत्र आपका जो इस सप्ताह में आपको किसी भी मुश्किल से निकाल सकता है, आपको एक हैप्पी फीलिंग करवा सकता है। डिसीजन यानी कि अनुशासन। और आप मंगलवार वाले दिन हनुमान मंदिर में जाइएगा, चमेली का तेल और संदूर मिक्स करके आप उसको अर्पण करके यानी कि हनुमान जी को अर्पण करके आइए। ये जो उपाय है ना, ये आपको तमाम दिक्कतों से आपको निकाल देगा। सो आज के ये जो था आपका सप्ताह का राशिफल। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।